फ्रेंड्स, वेलकम टू विट अबाउट पावर वंस अगेन टुडे। और आज बहुत दिनों के बाद में ऑप्शंस रूट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। ऑप्शंस रूट वो सीरीज जहां पर मैं बेसिक से एडवांस तक ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को सिखा रहा हूं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर 7 वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर हैं और ये आज की जो वीडियो है ये 8th वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जो उसके अंदर एड ऑन हो जाएगी। जो लोग पहली बार विट अबव पार पर यानी कि मेरे चैनल पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन बेसिक्स नहीं जानते तो आप बेसिक्स जानने के लिए मेरा वो 7 सीरीज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो ऑप्शंस रूट के नाम से चैनल पर है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पर आप सारी डिटेल बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शंस में ट्रेड करते वक्त, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ITM, OTM, ATM क्या होता है और बहुत बेसिक चीजें वहां पर मैंने बताई है। हालांकि बेसिक से एडवांस तक मैं आपको लेके जा रहा हूं तो धीरे धीरे उसके अंदर मैं वीडियोज ऐड कर रहा हूं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस 8th वीडियो में, लेसन नंबर 8th में, वो ये है कि आपने कई बार 4 शब्द को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट्स लोगों से सुना होगा लेकिन उसको बहुत ज्यादा उस वर्ड्स को सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब बेसिक जो लोग नहीं जानते, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। वो 4 शब्द कौन से हैं? लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। ये 4 चीजों का मतलब अगर आपको नहीं पता और आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इट मींस आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये वो 4 चीजें हैं जो बता सकती हैं कि अब ये स्टॉक प्राइस निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है और अब निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक प्राइस नीचे आने वाला है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप ये समझें कि ये होता क्या है। तो इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूं, देखिए स्क्रीन के ऊपर, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसको किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। तो ऑप्शन रूट की लेसन नंबर 8 में हम लोग हैं, हम लोग ये 4 पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पहला पॉइंट आता है लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि ओपन इंटरेस्ट क्या है तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में डाल रखी है कि व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, वो जाकर आप ऑप्शंस रूट की सीरीज में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी स्टॉक के अंदर या निफ्टी के अंदर आपका व्यू ये है कि आप बुलिश हो और आप ये समझ रहे हो कि स्टॉक या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप क्या कर रहे होते हो? तब आप ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर क्या कर रहे होते हो? आप खरीद रहे होते हो, आप निफ्टी खरीदते हो, आप बैंक निफ्टी खरीदते हो या फिर उसके फ्यूचर्स को खरीदते हो। फाइन, जब आप कोई चीज खरीद रहे हो इट मींस ये है कि आप उसको हायर लेवल्स पर खरीद रहे हो और आपका व्यू ये है कि आपका टारगेट उससे भी ऊपर है। जब टारगेट अचीव हो जाएगा, जब टारगेट हिट हो जाएगा तो आप वहां से उसको सेल करके एग्जिट कर दोगे। इट मींस आप कर क्या रहे हो? आप लॉन्ग बना रहे हो। मैंने आपको एक चीज और बताई थी इस प्लेलिस्ट के अंदर ही एक वीडियो में कि हम लोग जब ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो बाय और सेल शब्द का यूज नहीं करते, हम लोग कौन से वर्ड का यूज करते हैं? लॉन्ग एंड शॉर्ट। और क्यों करते हैं इसका रीजन भी मैंने आपको दिया था, वीडियो प्लीज आप जाकर चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा है? कि आप लॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक नए ट्रेडर हो मार्केट में, नए आके नया लॉट बाय कर रहे हो तो इट मींस आप ओआई डेवलप कर रहे हो, यानी कि ओआई के अंदर भी आप प्लस कर रहे हो। और जब आप चीज को खरीद रहे हो तो प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो जब आप प्राइस ऊपर लेके जा रहे हो ओआई भी बिल्डअप कर रहे हो, इट मींस आप क्या कर रहे हो? आप लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हो। यानी कि लॉन्ग बिल्डअप तब कहा जाता है जब प्राइस अंडरलाइन ऑब्जेक्ट का, अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो और ओआई जो है वो भी ऊपर हो, यानी कि वो ओआई चेंज जो है वो भी प्लस हो, तब हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ। यानी कि प्राइस भी प्लस है, ओआई भी प्लस है, तब लॉन्ग बिल्डअप माना जाएगा। ठीक है, अब लॉन्ग अनवाइंडिंग किसको कह रहे हैं? अब देखिए, जब एक बार का व्यू था आपका कि मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लॉन्ग करते जा रहे थे, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा या फिर कोई खबर ऐसी आएगी या फिर कोई न्यूज ऐसा आएगा जब प्राइस जो है ऊपर की बजाय नीचे चलने लगेगा। ठीक है, तब आप उस केस में क्या करोगे? आपने तो लॉन्ग कर रखा था, तब आप क्या करोगे? अपनी लॉन्ग पोजीशन को कवर करोगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन को छोड़ के भागोगे जिससे कि लॉस ना हो, क्योंकि प्राइस तो नीचे आ रहा है। या तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट बुक करोगे, या थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा तो लॉस बुक करोगे, लेकिन पोजीशन तो काटोगे क्योंकि ज्यादा लॉस ना हो जाए। तो जब आप लॉन्ग को एग्जिट कर रहे हो, जब आप लॉन्ग से बाहर निकल रहे हो तो उसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब जब आप लॉन्ग को छोड़ के बाहर जा रहे हो, कोई चीज लगातार बिकती जा रही है तो उसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा?
उसका प्राइस घटेगा, माइनस होगा। यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है, जब प्राइस नेगेटिव होता चला जाए, ठीक है, और ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव होता चला जाए। क्योंकि देखिए, जब आप एग्जिट कर रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से, लॉन्ग अनवाइंडिंग कौन करेगा, जिसने लॉन्ग बिल्डअप कर रखा है, जिसने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, वही तो अनवाइंड कर सकता है ना। कोई नया बंदा आके अगर सेलिंग करने लगे तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग में काउंट थोड़ी ना होगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग केवल वही कर सकता है जिसने लॉन्ग बिल्डअप करा हो। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपने अगर लॉन्ग बिल्डअप किया था तो आप लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि प्राइस भी नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अब मार्केट का प्राइस जो है, मार्केट जो है नीचे गिर सकता है या फिर नीचे गिरेगा। तो ये इसका इवैल्यूएशन होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज बेसिकली शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप किसको कहते हैं? देखिए, जब आपको ये चीज नजर आ रही है कि मार्केट अपने एक हाई लेवल पर है, अब यहां के बाद में मार्केट गिरेगा, तो आप क्या करोगे, आप एडवांस में शॉर्ट बना लोगे, आप एडवांस में उसको सेल कर दोगे, ठीक है, सेल कर दोगे। यानी कि आपने इस लेवल पर सपोज कीजिए सेल कर दिया और ये स्टॉक प्राइस नीचे गिरता आया और यहां पर आकर आपने खरीद लिया, तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपने शॉर्ट सेलिंग करी। तो आप शॉर्ट सेल कब करते हो, जब आपका व्यू बेयरिश हो, ठीक है ना, जब आपका व्यू बेयरिश है तब आप मार्केट के अंदर शॉर्ट सेल करते हो। अब आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो मतलब क्या है, अगर कोई फ्रेश बंदा, कोई फ्रेश ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर हो रहा है इस व्यू के साथ में कि मार्केट बेयरिश है, और वो क्या कर रहा है, वो एक नई पोजीशन बना रहा है नेगेटिव साइड में, यानी कि वो आते ही उसको सेल कर रहा है, तो प्राइस कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि शॉर्ट बिल्डअप कब होगा, जब प्राइस नीचे जाएगा। और बिल्डअप से मतलब क्या है, बिल्डअप कर रहा है यानी कि वो नई फ्रेश पोजीशंस बना रहा है, यानी कि ओआई क्या हो रहा है, ओआई उस केस में प्लस है, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है, ओआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ये शॉर्ट बिल्डअप माना जाएगा। इस केस में क्या था, प्राइस भी नीचे एंड ओआई भी नीचे था, ठीक है ना। तो प्राइस तो जा रहा है नीचे क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हो, लेकिन आप नए इंसान हो, नए ट्रेडर हो, मार्केट में आके शॉर्ट कर रहे हो, पहले से वो एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है, इसलिए ओआई को आप बिल्ड कर रहे हो, ओआई को रिड्यूस नहीं कर रहे हो, ओआई को बिल्ड कर रहे हो। अब क्या हुआ कि देखिए, आपने पोजीशन शॉर्ट की बनाई थी, आपका टारगेट हो गया अचीव यहां पर। अब आप क्या करोगे, इस शॉर्ट को ओपन तो नहीं छोड़ोगे, इस शॉर्ट को कवर भी तो करोगे, शॉर्ट को बेसिकली वापस से खरीदोगे भी तो। अगर आपने यहां पर 10 लॉट्स बेच रखे थे तो इन 10 लॉट्स को बाय भी तो करोगे, ठीक है ना। जब आप इन बेचे हुए लॉट्स को बाय कर रहे हो तो इट मींस क्या हो रहा है, इट मींस आप शॉर्ट कवरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या हो रहा है कि जब आप शॉर्ट कवरिंग करने लगे तो आपके पास में क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ता गया, प्राइस तो बढ़ता गया, और ओआई क्या हुआ, अब आप समझ, अब मुझे आप समझ के बताइएगा, ओआई क्या हुआ, जब आप शॉर्ट बिल्डअप बना रहे थे तो ओआई बढ़ रहा था, आप किसी चीज के अंदर एंटर कर रहे थे, भले ही सेल साइड में कर रहे थे, लेकिन उसी सेल साइड की पोजीशन को अब आप एग्जिट कर रहे हो तो ओआई माइनस होगा, यानी कि ओआई रिड्यूस होगा। याद रखिए, शॉर्ट कवरिंग वही कर सकता है जिसने शॉर्ट बिल्डअप कर रखा हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग वही कर सकता है जिसने लॉन्ग बिल्डअप कर रखा हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज फोर वर्ड्स, जो ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो प्राइस नीचे आएगा, अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो कवरिंग वाली चीज है, देखिए अनवाइंडिंग एंड कवरिंग एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, केवल हमने नाम रख दिया कि शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, अदरवाइज ये लॉन्ग कवरिंग ही है और ये भी शॉर्ट अनवाइंडिंग ही आप कह सकते हो। तो इन दोनों चीज में क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग में देखिए क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या हो रहा है, कि ये चीजें की जाती हैं डर के माहौल में। यानी कि आपने कोई व्यू लिया था, वो व्यू एक बार टारगेट अचीव हो चुका या फिर किसी न्यूज की वजह से वो व्यू गलत साबित हो गया, तो अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो बहुत तेजी से उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। आपने देखा होगा एकदम से 100 150 200 पॉइंट का मूव निफ्टी के ऊपर आ जाता है, 400 500 पॉइंट का मूव एकदम से बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाता है। तो वो होता क्या है, वो शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही होती है। इस टाइप की सिचुएशन जब मार्केट में होती है देन प्रोपल्सिव मूव मार्केट्स के अंदर आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इन चारों टर्मिनोलॉजीज का, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो यहां पर एंड नहीं हो रही है, ठीक है ना, अभी वीडियो एंड नहीं हो रही, ये तो मैंने बेसिक समझा दिया। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूं यहां पर
ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पर यहां हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहां पर लगाया क्या है, मैंने यहां पर फ्यूचर्स बिल्डअप लगाया, फ्यूचर्स बिल्डअप स्क्रीनर। अब किसी स्टॉक के बारे में अगर हम लोग बात करें ना कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो स्टॉक अगर एफ एंड ओ में है, तो आप बहुत इजीली इन चारों टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर पता लगा सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसे यहां पर पूरा डेटा आपके सामने है, ठीक है ना, इस डेटा के अंदर क्या आ रहा है। जैसे एबीबी के स्टॉक की हम लोग बात करते हैं, ये एबीबी का स्टॉक है, ये इसका प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। अब एक दिन के अंदर प्राइस में कितना चेंज हुआ वो यहां पर दे रखा है, कितना 1.18%, यानी कि प्राइस क्या हुआ, प्लस हुआ। और एक दिन का ओआई चेंज दे रखा है, यानी कि ओआई ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज कितना हुआ, वो भी 4.25% प्लस में है। और जब दोनों चीज प्लस हो रही है तो क्या मैंने आपको बताया था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एबॉट इंडिया एक स्टॉक है, उसका करंट मार्केट प्राइस ये है, करंट मार्केट प्राइस से एक दिन का जो चेंज है वो नेगेटिव है, यहां पर माइनस, ठीक है, 1.5% के आसपास स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, यानी कि करेक्ट हो गया। लेकिन ओआई के अंदर 10.5% का इंक्रीमेंट है, प्राइस नीचे जा रहा है, ओआई ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो यहां पर शॉर्ट बिल्डअप वाली पोजीशंस डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं, शॉर्ट टर्म के आउटलुक की बात करें। और एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए मैं और दिखाता हूं आपको, फॉर एग्जांपल यहां पर आइए देखिए, BEL के स्टॉक में क्या हो रहा है, BEL के स्टॉक में तकरीबन 3% प्राइस ऊपर है और तकरीबन 6% जो OI है वो ऊपर है, यानी कि दोनों चीजें ऊपर है, प्राइस भी ऊपर, OI भी ऊपर, तो लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास में आ रहा है, हम लोग यहां पर आते हैं नीचे की तरफ, तो शॉर्ट कवरिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, कहीं पर शॉर्ट कवरिंग दिख जाए हमें, तो शॉर्ट कवरिंग ये रहा एग्जैक्टली। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा था एक दिन का चेंज, ये आप देख पा रहे हैं, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ऊपर चार्ट के ऊपर, ये हमारे पास में वन डे का चेंज है, वन डे प्राइस चेंज, वन डे ओआई चेंज। अगर यही हम लोग 5 दिन का देखें तो हमें थोड़ा सा मीडियम टर्म का आउटलुक मिल जाएगा, एमटी आउटलुक, ठीक है। तो एमटी आउटलुक में एक हम लोग यही लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एबीएफआरएल का स्टॉक, एबीएफआरएल के स्टॉक में 5 दिन के अंदर तकरीबन 8% प्राइस ऊपर गया है, 8% प्राइस ऊपर गया, यानी कि प्राइस तो जा रहा है ऊपर, लेकिन 17% ओआई यहां पर नीचे आया है, माइनस हुआ है। तो जब प्राइस ऊपर जाए और ये ओआई बिल्डअप नीचे आए, ओआई नीचे आए, तो क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग है, जिन लोगों ने शॉर्ट डेवलप कर रखा था वो अब शॉर्ट एग्जिट कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो इस तरीके से लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप आप इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, वो होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग का, एसीसी का स्टॉक है, 0.35% की तेजी रही है, सॉरी ये तो हम लोग वनडे में देख रहे हैं, हम लोग 5 डे की बात करते हैं, 5 दिनों के अंदर तकरीबन 2% ये स्टॉक नीचे रहा है, 2% प्राइस के अंदर नीचे की तरफ करेक्शन है, और 18% से ज्यादा करेक्शन है ओआई के अंदर। तो दोनों चीजें नेगेटिव है, प्राइस भी नेगेटिव एंड ओआई भी नेगेटिव, और इसका एग्जांपल क्या बताया था मैंने, ये हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हो रही है, जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है वो स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, जाहिर सी बात है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है वहां पर भी सेम सिचुएशन रहेंगी, जहां पर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इस तरीके से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में, चाहे वो शॉर्ट टर्म का आउटलुक हो, चाहे वो मीडियम टर्म का आउटलुक हो, कि वहां पर होने क्या जा रहा है। एग्जाम्पल के साथ में यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा जरूर, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस में हर दिन लेके आता रहता हूं, एंड ऑप्शंस रूट के अंदर भी अब नई सीरीज में लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर फर्दर और हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एक फ्यू एज जो हमें लेनी चाहिए वो हम लोग यहां पर लेते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।